हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के बिग न्यूज़ ऑफ द डे में वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है इन द रीसेंट डेज, विच इज़ द यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल जो कि चाइना में होता है। काफ़ी नोटोरियस फेस्टिवल है ये और काफ़ी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव कंडेम्ड दिस फेस्टिवल एंड देव आस्क्ड द चाइनीज गवर्नमेंट टू बैन दिस फेस्टिवल। ठीक है, अगेन रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि 2020 में भी डिस्पाइट द आउटब्रेक एंड द कंटिन्यूइंग ऑफ कोरोना वायरस जो कि 2019 से चलता आ रहा है, चाइना ने रोका नहीं है इस फेस्टिवल को। साथ ही में हम जो है इस टॉपिक को सिर्फ एक सनसनी न्यूज़ की तरह नहीं एनालाइज करेंगे बल्कि वी विल बी लुकिंग एट इसके वेरियस कॉन्टोर्स। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक जो पोलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आपकी एथनोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। हम एनालाइज करेंगे एक तरह से उसको, इस टॉपिक को, थ्रू द लेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म एज वेल। साथ ही में इन दी एंड वी विल बी कंपेयरिंग एनिमल राइट्स इन चाइना विद दोज जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि रिसेंटली ही काफी चर्चा में रहा है। इनफैक्ट लॉट ऑफ इंडियन सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किए हैं, बहुत सारे पोस्ट डाले हैं कंडेमिंग दिस फेस्टिवल, इंक्लूडिंग अनुष्का शर्मा। तो काफी जो है चर्चा में रहता है। इनफैक्ट हर साल जब ये होता है ये जो है इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा एक्टिविस्ट उभर के आते हैं। अब आखिरकार ये यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल है क्या? ये यूलिन में होने वाला एक फेस्टिवल, एक एनुअल फेस्टिवल है विच इज कॉल्ड एक्चुअली द लीची एंड डॉग मीट फेस्टिवल। 10 दिन का ये इवेंट होता है जो कि यूलिन शहर में होता है विच इज इन द ग्वांगजी प्रोविंस ऑफ चाइना एंड 21st to 30th June 10 दिन का ये होता है। 2020 में भी ये हो रहा है। सो जो हॉटेस्ट डेज ऑफ समर माने जाते हैं उन 10 दिनों के अंदर ये होता है। इनफैक्ट ये जो इंटायर फेस्टिवल है ये एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। पहला फेस्टिवल जो है 2009 में हुआ था विच मार्क द समर सोलस्टिस इन द कंट्री। डॉग ईटिंग जो अब है, राइट, इवन दो द फेस्टिवल इज न्यू रिलेटिवली, डॉग ईटिंग खुद जो है एज अ प्रैक्टिस, एज अ ट्रेडिशन काफी टाइम से चलती आ रही है चाइना में। एंड इन फैक्ट देयर आर लॉट ऑफ फोकलोर्स जहां पे ये माना जाता है कि इफ यू हैव डॉग मीट ड्यूरिंग द समर मंथ्स, राइट, ये लक एंड गुड हेल्थ लेके आता है। एंड इन फैक्ट सम ऑल्सो बिलीव कि इससे डिजीजेस भी भाग जाती हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कोरोना के टाइम पे भी सम पीपल माइट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल थिंकिंग कि डिजीज भाग जाएगी। ठीक है, साथ ही में अपेरेंटली इसके साथ एफ्रोडीजियाक क्वालिटीज भी जो है एसोसिएटेड होती हैं। अभी जो फेस्टिवल है इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा एक्टिविस्ट जो है खड़े हुए हैं दोनों ही चाइना में भी एंड इंटरनेशनली ऑल्सो, राइट। सो देव टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से स्लॉटर किया जाता है, बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही इनह्यूमन है, एज वेल एज क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड विद रिगार्ड टू कितनी हाइजीन एंड सैनिटेशन है इस फेस्टिवल में, जो कि ये मानना है कि चाइनीज रेगुलेशंस के साथ बिल्कुल भी अडियर नहीं करती। ऑल्सो ये भी कंप्लेन्स होती हैं कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं बल्कि पेट्स जो हैं उनको भी चुरा के जो है लाया जाता है, बहुत ही क्रैम्प्ड कंडीशंस में उनको रखा जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ जो फेस्टिवल विजिटर्स हैं उन्होंने डॉग्स के ऊपर कॉलर्स भी देखा है, जिसका मतलब है दैट दीज डॉग्स हैव ईदर बीन किडनैप्ड, दे हैव बीन स्टोलन, राइट, विच अगेन रेजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इलीगल प्रैक्टिसेस जो कि इस फेस्टिवल के अंदर आ जाती हैं। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी वॉर्न किया है कि किस तरह से डॉग ट्रेड, डॉग मीट जो है इससे रेबी स्प्रेड हो जाती है, रिस्क ऑफ कॉलरा भी रहता है। अब चाइना और चाइना के अंदर ये जो फेस्टिवल हो रहा है वो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ रेगुलेशंस है या नहीं है? अब चाइना के अंदर ईटिंग डॉग जो है वो इलीगल नहीं है, राइट। इनफैक्ट 10 to 20 million डॉग्स जो हैं वो मारे जाते हैं हर साल फॉर कंजम्पशन, राइट। सो मतलब इवन दो जो फेस्टिवल है वो रीसेंट टाइम्स में शुरू हुआ है, पर जिस तरह से हमने देखा कि ट्रेडिशनली गोइंग बैक 400 years जो है ये डॉग ईटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। हाउएवर अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखा जा रहा है कि एटीट्यूड जो है काफी चेंज हो रहे हैं और ये एटीट्यूड्स की जो चेंज है उसके अंदर एक काफी पुश कोरोना के आउटब्रेक से भी हुई, जब COVID-19 का आउटब्रेक हुआ, जहां पे फर्दर ये जो एपेटाइट है फॉर डॉग मीट वो और भी ज्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि जैसे कि हमको पता है एक वेट मार्केट के साथ जो है लिंक हुई थी, राइट,
जहाँ पे पैंगोलिन्स बैट्स इनके साथ जो है एसोसिएट हुई थी एंड हाउ द वायरस बेसिकली जम्प्ड थ्रू द एनिमल्स इनटू ह्यूमंस. तो उसके कारण भी जो है इस फेस्टिवल के अंदर एक डिक्लाइन इन नंबर्स देखा जा रहा है. नाउ अब एक कल्चरल फैक्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट नॉन वेजिटेरियन, आर नॉन वेजिटेरियन, ईट एनिमल्स, कंज्यूम एनिमल्स इन सम फॉर्म और द अदर, बट एक फैक्ट क्या होता है कि हम कुत्तों को खाना जो है, एक डॉग मीट को कंज्यूम करना जो है बहुत ही बुरा माना जाता है. राइट, अब स्ट्रे डॉग्स के साथ तो ऑब्वियसली कुछ डिजीजेस एसोसिएटेड है, सो दैट मीट माइट आल्सो बी कंसिडर्ड रियली बैड टू ईट. पर उसके साथ ही डॉग्स जो है उनके साथ एक बहुत ही फेलोशिप, एक कंपेनियनशिप, हमारे पेट्स ऑलमोस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स रखा जाता है डॉग्स को. राइट, सो ये जो आइडिया है, राइट, एक बार एक ये भी माना जाता है कि इनफैक्ट अर्ली मैन के ही जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पेट्स थे वो डॉग्स थे. राइट, तो एक तरह से ये जो कंपेनियनशिप है डॉग्स के साथ, तो उसके कारण भी जो है ईटिंग डॉग्स इज कंसिडर्ड अ टैबू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. नाउ व्हाट हैपेंस इन चाइना इज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डॉग्स जो है उनको एज पेट्स रखना भी बैन कर दिया गया था ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एक तो राइट यू हैव टू फीड सच ह्यूज पॉपुलेशन, आप पेट्स भी रखोगे तो उनको कैसे खिलाओगे, प्लस एक मोर वेस्टर्न प्रैक्टिस के साथ एसोसिएट किया जाता है ओनरशिप को. हाउएवर इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स स्पेशली अमंग्स द चाइनीज मिडिल क्लास, डॉग ओनरशिप, कीपिंग देम एज पेट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो ऑब्वियसली अगर आप उनको पेट्स रखोगे यू वुडंट रियली वॉन्ट टू ईट देम. राइट, तो एक तरह से वहां से भी डिक्लाइन देखा जा रहा है इन कंज्यूमिंग डॉग मीट. मई 2020 में इनफैक्ट चाइना की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उन्होंने रीक्लासीफाई कर दिया था डॉग्स को as companion animals and not livestock. तो मतलब 2020 तक dogs जो है livestock की classification में आते थे, but अब जो है इनको हटा के companion animals जो है कर दिया गया है. However, अभी भी जो है इन पे कोई explicit prohibition नहीं है इनके खाने पे. Now Shenzhen and Zhuhai, ये दो southern cities हैं जो कि पास ही है यूलिन के. हाउएवर दिस ईयर दीज टू सिटीज बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज इन चाइना जिन्होंने कंजम्पशन ऑफ डॉग्स को जो है बैन कर दिया. इनफैक्ट अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लाइफ स्टॉक एक लिस्ट होती है जिसके अंदर वो लाइफ स्टॉक को इंक्लूड करते कि कौन कौन से एनिमल्स इन द कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टॉक आते हैं. उसके अंदर डॉग्स जो है इंक्लूडेड नहीं है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डॉग्स को लाइफ स्टॉक नहीं माना जाता है. ठीक है, अब बहुत सारे जो है ऑब्वियसली इश्यूज बन के आए हैं अबाउट एनिमल क्रुएल्टी. एक्टिविस्ट का कहना है कि बहुत सारे डॉग्स जो है हर साल उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, वो स्लॉटर हाउसेस पे रेड मारते हैं, जो ट्रक्स फेस्टिवल में जा रहे होते हैं उनको रोकते हैं. राइट, ट्रेडर्स उनका मानना होता है कि ये पेट्स को स्टील करते हैं या फिर बहुत ही गंदे क्रैम्प्ड कंडीशंस में जो है उनको लेके जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट चाइनीज सोशल नेटवर्क एक जो साइट है विच इज कॉल्ड वीबो, राइट, उसके अंदर भी काफी ऐसे पोस्ट आए हैं जिन्होंने बोला है कि स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड-19 आपको ये फेस्टिवल को जो है कैंसिल कर देना चाहिए, स्पेशली क्योंकि एक रिसेंट आउटब्रेक देखी गई थी बीजिंग में ही जहां पे होलसेल फूड मार्केट से जो है दोबारा एक रिसर्जेंस हो गई थी इन द कोविड-19. राइट, अ लॉट ऑफ अदर मीडिया टैबलॉइड्स हैव आल्सो सेड कि डॉग्स जो है इनको इंटेंशनली टॉर्चर किया जाता है, इनको जिंदा बॉइल कर दिया जाता है ये मान के कि इनका टेस्ट जो है बेटर हो जाएगा. सो सच क्रूअल प्रैक्टिसेस जो है ये एसोसिएट की जाती हैं विद दिस फेस्टिवल. हाउएवर क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन रेज्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ विटनेसेस क्लेम कि ये सब नहीं होता है. ठीक है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यूज विच आर इमर्जिंग. 2016 में 1000 डॉग्स को जो है इस फेस्टिवल से रेस्क्यू किया गया था. ठीक है, साथ ही में जो है 2017 में एक जो ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल है इन्होंने भी कुछ कुत्तों को रेस्क्यू किया था. राइट, 2016 में इनफैक्ट चाइना में ही एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो है आगे रखा गया था जहां पे वो चाहते थे कि बैन करें डॉग मीट ट्रेड को. ठीक है, हाउएवर ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स रखे गए हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मिल रहे हैं, बट इसके बाद भी जो है ये यूलिन डॉग फेस्टिवल बैन नहीं हुआ है. इनफैक्ट यूलिन की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कहते हैं कि हमने तो कभी कोई परमिशन ही नहीं दी है. तो राइट, तो ये कोई लीगल स्फेयर के अंदर या फॉर्मेलिटी एक फॉर्मल स्फेयर में फेस्टिवल हो ही नहीं रहा है, बस चलता रहता है. तो
एक तरह से इसको बैन करने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, राइट। नाउ ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम लाई दीज इश्यूज ऑफ कि क्या ये सिर्फ एनिमल राइट्स की बात है। अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग द गार्डियन, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट एंड कुछ अदर ब्लॉग्स ऑल्सो, स्पेशली जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक्टिविज्म काफी है, उन्होंने ये भी क्वेश्चन रेज किया है कि क्या ये एक्चुअल में एक इशू ऑफ एनिमल राइट्स है या फिर ये एक कल्चरल रिलेटिविज्म की बात है। अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली ये होता है कि एक इंसान की जो वैल्यू सिस्टम है, जो उनकी बिलीव्स है, जिस तरह की वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो सिर्फ तभी समझे जा सकते हैं अगर आप उस पर्सन के कल्चर से जो है उसको आप समझते हो, रादर देन जजिंग दैट पर्सन बाय मे बी योर ओन कल्चर्स क्राइटेरिया, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, वी वर्शिप मैनी गॉड्स, राइट। बहुत सारे गॉड्स को जो है हम वर्शिप करते हैं, साथ ही में जो है हमारे गॉड्स जो है उनके वेरियस शेप्स हैं, उनके वेरियस जो है फॉर्म्स हैं, राइट। नाउ अब जब वाइट कलोनियलिस्ट आए थे, उनका यह मानना था दैट दिस प्रैक्टिस इज कंप्लीटली रिडंडेंट, इट्स अ वेरी बैकवर्ड प्रैक्टिस, दे मेड फन ऑफ आर गॉड्स, राइट, दे मेड फन ऑफ गॉड्स हु लुक लाइक एनिमल्स। तो अब ये क्या था, क्योंकि वो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपने कल्चरल लेंस से जो है देख रहे हैं। सिमिलरली हमने ये भी देखा है कोरोना आउटब्रेक के टाइम पे ही अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर स्टार्टिंग टू बी रेज, कि जब भी कुछ आता था तो ऐसे जोक्स आ जाते हैं चाइना के अगेंस्ट कि ये तो कुछ भी खा लेते हैं, ये तो स्नेक्स भी खा लेते हैं, लिजर्ड भी खा लेते हैं, इंसेक्ट भी खा लेते हैं। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इवन विद इन इंडिया फॉर दैट मैटर। इतने ज्यादा वेरिड फूड कल्चर्स है जो कि अपने कल्चर के हिसाब से डेवलप हुए हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, नॉन वेज ईटिंग हैबिट्स, वेजिटेरियन ईटिंग हैबिट्स, विद इन नॉन वेजिटेरियनिज्म ऑल्सो बहुत सारे डिफरेंस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन सर्टन कम्युनिटीज जो है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड दैट दे इमर्ज फ्रॉम, राइट, दे ऑल्सो देव टेकन अप द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग रैट्स, राइट, लाइक द मूसाहार कम्युनिटी, राइट। अब क्यों, क्योंकि दे आर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज, वन ऑफ द poorest communities in the country, right? So you have to view a certain people, their habits, their cultures, the practices through their culture ka lens, kyunki jab tak aap unke, you don't place yourself in their shoes, you won't be able to understand ki koi cheez kahan se emerge ho gayi. Ye idea jo hai, in fact anthropology mein sabse pehle aaya tha through the research of Franz Boas, right? To उन्होंने जो है इस चीज की जो है पहली बार बात की, जहां पे उन्होंने बात की कि सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस जो है अगर आपने उनको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर, राइट। सो इट्स वेरी इजी जब से एज वी एज इंडियंस टेक ऑफेंस इफ से पीपल इन द वेस्ट लुक डाउन अपॉन अस फॉर सर्टन ईटिंग हैबिट्स ऑफ फॉर द वे दैट वी वर्शिप और फॉर द वे दैट वी हैव सर्टन से ideas about marriage etc, but at the same time when we do that to others, humko wo nahi galat lagta, right? To ye kya hai ki har country ke andar jo hai ek cultural ek tarah se chauvinism hone ki tendency होती है, राइट। 20th सेंचुरी के अंदर फ्रांस बोआस के ही जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने और पॉपुलराइज किया इस आइडिया को। हाउएवर ये जो टर्म कल्चरल रिलेटिविज्म है, इट केम मच लेटर, इट वाज कॉइंड मच लेटर बाय अ सोशल थ्योरिस्ट बाय द नेम ऑफ एलन लॉक, ठीक है। तो 1924 में जो है ये उभर के आया था, राइट। अब कल्चरल रिलेटिविज्म के एकदम ऑपोजिट एंड पे क्या है, एथनोसेंट्रिसिज्म की बात होती है, राइट, जो कि जहां पे ये माना जाता है कि हमारा कल्चर सबसे बेहतर है फ्रॉम ऑल अदर कल्चर्स। तो हमने देखा है, अगर आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, हमने व्हाइट मैन्स बर्डन की बात की है, राइट। ये एक तरह से आपकी कॉलोनियल लेगेसी को लेजिटिमाइज करने के लिए द आइडिया दैट द व्हाइट मैन इज ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन, ठीक है, ये जो बाकी बारबेरियंस हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थियोडोर अडोर्नो जो है उन्होंने ये बात की है, ग्रुप इन एंड ग्रुप आउट की जो बात की है उन्होंने, ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि जो ग्रुप का हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल्स में भी देखते हैं, राइट, कि अगर तो आप वो पॉपुलर गैंग का हिस्सा हो गए, सो यू आर कंसिडर्ड एज बींग बेटर, वेर एज जो बाकी ग्रुप से दे आर लुक्ड डाउन अपॉन, राइट। सो ये आइडिया जो है
वो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है कि हर कल्चर जो है कहीं और से उभर के आता है। अब ये आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म को जो है यहां पे भी अपनाया जा रहा है। ये कैल्विन एंड हॉब्स का अगर आप कार्टून देखेंगे यही बात हो रही है यहां पे, ठीक है, कि जहां पे वो बोल रहे हैं कि आपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाए, तो जवाब आता है कि नहीं मैंने तो नहीं बनाए, राइट। सो Now what happens is he says कि देखो अगर तुमने बेहतर बनना है so it's important that you know you understand what is good and what is good is कि good के साथ हम associate करते हैं कुछ values हमेशा, ठीक है। For example India में what is considered good might not be the same as what is considered to be good maybe in the USA, ठीक है। तो हर culture हर system of belief का अलग वैल्यू सिस्टम होता है, दे आर ऑल रिलेटिव टू ईच अदर, राइट। सो देर इज नो आइडिया ऑफ विच कल्चरल सिस्टम इज बेटर देन द अदर, इज जस्ट दैट दे आर डिफरेंट, ठीक है। और ये डिफरेंस को समझना सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड तभी जब हम आजकल राइट्स की भी बात करते हैं, हमने डिफरेंस राइट्स मल्टी कल्चरल राइट्स राइट इन सब की बात करनी जो है बहुत ज्यादा शुरू कर दी है, स्पेशली विद द कमिंग इन ऑफ थ्योरिस्ट लाइक विल किमलिका आयरिस मैरियन यंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब यहीं पर हम अगर सिमिलरली बात करें आपके यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल की भी, तो ऑब्वियस रीजन है कि डॉग मीट जो है एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, राइट। वेस्टर्न सोसाइटीज में स्पेशली डॉग्स के साथ जो है एक बहुत ही डीप कंडीशन, एक डीप रिलेशनशिप होता है, जहां पे डॉग्स को समझा जाता है कि हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। और ये जो आइडिया है बाकी सोसाइटीज में भी जो है काफी ज्यादा परपेचुएट हो गया है। हाउएवर नॉट जस्ट इन चाइना बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, जहां पे डॉग्स को पेट्स भी रखा होता है, डॉग मीट को खाना जो है काफी कॉमन प्लेस माना जाता है, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जहां पे एक अलग डॉग वैरायटी है विच इज अ येलोइश डॉग ब्रीड जिसको न्यूरेंगी बोला जाता है, एंड वो जो है कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट न्यूरियोंगी जो है उसका मतलब ही डॉग मीट डॉग्स होता है, कि इनको जो है खाने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली नॉट जस्ट एशियन सोसाइटी और नॉन यूरोपियन सोसाइटीज, बट इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि डॉग मीट खाना बुरा है बट से ईटिंग पोर्क और ईटिंग बीफ और ईटिंग चिकन और ईटिंग एनी अदर मीट इज ओके, राइट। सो द आइडिया विच एनिमल्स डिजर्व टू बी सेव्ड एंड विच एनिमल्स अगर आप उनको मारेंगे तो वो बुरा नहीं है, ये एक बहुत ही कल्चरल थिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर स्पेशली गिवन द लार्ज हिंदू कम्युनिटी, राइट, एक देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ बैनिंग काउ स्लॉटर, ठीक है। ये जो है हमारी कल्चरल हमारे सिविलाइजेशन का एक बेसिकली हिस्सा बन चुका है अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, इवन दो इंडिया के अंदर अ लॉट ऑफ कल्चर्स एग्जिस्ट विच आर वेरी डिफरेंट, राइट। सो एक तरह से अगर आपकी कल्चरल बिलीफ है टू नॉट कंज्यूम अ सर्टेन मीट, ठीक है, अगर आपको वो ठीक लगता है, राइट, अगर आपको ये लगता है कि उसका मीट खाना जो है खराब है बुरा है, राइट, बट आप बाकियों का मीट खा सकते हो, तो ये क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, राइट। सो अभी सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। और वही बोलते कि लॉट ऑफ एक्टिविस्ट जो कि इसके अगेंस्ट जो है बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट से एक जो है आर्ग्यूमेंट आता है कि इनफैक्ट 2018 का OECD का डेटा है कि US के अंदर जो है सेकेंड मोस्ट मीट पर कैपिटा कंज्यूम होता है, ठीक है, जो कि बीफ और वील से आता है, एंड ऑफन इनको जो है बहुत ब्रूटली माना जाता है, जिस तरह से इनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, दोज आर एब्सोल्युटली हॉरिबल कंडीशंस। इनफैक्ट इफ यू गाइज एवर गेट द टाइम, राइट, मे बी आफ्टर यू आर डन विद योर एग्जाम्स एटसेट्रा, ओगजा करके एक मूवी आई थी, सो द ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जिन्होंने पैरासाइट बनाई, राइट, जो कि जिन्होंने ऑस्कर जीता, बोंग जून हो, उन्हीं की ये मूवी है ओगजा, विच इज लाइक अ साईफाई मूवी, बट इट्स बेस्ड ऑन दिस आइडिया ओनली, जहां पे दी स्पेशल काइंड ऑफ पिग्स आर से साइंटिफिकली ब्रॉट अप, एंड वहां पे जो है वो एक बच्ची के पास होते हैं, जी ऑब्वियसली बिकम्स वेरी अटैच्ड टू दैट दैट पिग, दैट स्पेशल काइंड ऑफ पिग जिसका नाम ओगजा है, और कैसे वो जो कंपनी उनको वापस बुला लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको स्लॉटर करना है फॉर मीट, राइट। सो दैट इंटायर मूवी ऑब्वियसली रियली हिट्स हार्ड, एक तरह से जब आप देखते हैं कि किस तरह से लोगों को जो ये जो एनिमल्स हैं, इवन दो दे आर साइंटिफिकली ब्रेड, कितना उनको जो है कितनी बुरी तरह कैप्टिविटी में रखा जाता है, एंड इज इट मॉरली राइट टू किल सर्टन एनिमल्स
बट देन से कि बाकी एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चरल रिलेटिव्स इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उठ जाता है। सिमिलर इश्यूज जो है पिग स्लॉटर पोर्क कंजम्पशन के ऊपर भी उठाए जा सकते हैं, जहाँ पे इनफैक्ट साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। इनफैक्ट ह्यूमंस, एप्स, डॉल्फिन्स के अलावा पिग्स हैं जो कि अपनी रिफ्लेक्शन तक रिकग्नाइज कर सकते हैं मिरर के अंदर, राइट। सो एक आइडिया होता है कि जो डॉग्स हैं दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स, यू नो दे आर वेरी लॉयल एनिमल्स, दे हैव गुड हाई लेवल इंटेलिजेंस, राइट। तो उसी तरह अगर इंटेलिजेंस इज अ यार्ड स्टिक देन इवन पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। सो लेट्स नॉट किल पिग्स एज वेल, राइट। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ टाइम्स अभी बहुत ज्यादा चर्चा में होने लगता है तो मेडिसिन ड्रग्स टेस्टिंग के लिए, कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग के लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं कि आप एनिमल्स को मत यूज कीजिए, मंकीज को मत यूज कीजिए। सिमिलरली एक आर्टिकल था हाफ पोस्ट में, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डिस्कोर्स है पूरा एनिमल राइट्स का वो कितनी आसानी से वेस्टर्न एक जो आइडियाज हैं उस पे बेस्ड है, एंड ऑफन इट इज यूज्ड एज अ न्यू इंपीरियलिस्टिक स्टिक, राइट। न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है, जहां पे ऑब्वियसली योर कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फेयर इज गॉन, बट कल्चरल इंपीरियलिज्म जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे वेस्टर्न वैल्यूज आर प्लेस्ड एट अ मच हायर पेडिस्टल देन द वैल्यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक तरह से आप चाइना को इस न्यू इंपीरियलिस्टिक स्टिक से बोल रहे हो, पीट रहे हो कि आप जो है ये फेस्टिवल बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बट देन व्हाट इज द वेस्टर्न वर्ल्ड डूइंग, राइट। तो यूरोपियन मार्केट में जिस तरह से चिकन को ब्रीड किया जाता है, इंडिया में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि चिकन को कैसे ब्रीड किया जाता है उसके रिगार्डिंग। सिमिलरली बहुत और भी कॉन्ट्रोवर्शियल जो है ऐसे फेस्टिवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज गदीमाई फेस्टिवल जो कि नेपाल में होता था, राइट, जहां पे जो है वाटर बफलोस को जो है स्लॉटर किया जाता था। 2015 के अंदर जो है इंडिया ने बैन कर दिया एक तरह से, और उन्होंने बिहार में भी, क्योंकि मधेसी कम्युनिटी में काफी होता था, बिहार में भी उन्होंने बोला कि आपने ये एक तरह से नजर रखनी है कि बफलोस को नेपाल स्लॉटर के लिए फॉर दिस फेस्टिवल ना भेजा जाए। 2019 में भी ये फेस्टिवल हुआ, हाउएवर यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने बफलोस को नहीं स्लॉटर किया, हमने गोट, रैट, चिकन, पिग एंड पिजन को स्लॉटर किया इन मच लेस नंबर्स। बट हाउएवर अगेन यू कैन क्वेश्चन कि अच्छा बफलो को मारना बुरा है बट गोट, रैट, चिकन को मारना ठीक है, राइट। सो सच वैल्यू रिलेटिविज्म कैन एग्जिस्ट। सिमिलरली आपके एनिमल क्रुएल्टी के रिगार्डिंग बुल फाइटिंग जो होती है स्पेन में, उसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन मार्क है, एंड जल्लीकट्टू तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल जो है फेस्टिवल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2014 में बैन किया था, बट अगेन इट इज एसोसिएटेड वेरी वेरी डीपली विद कल्चर्स, और चेन्नई में बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे, राइट। सो इवन आफ्टर इट्स बैन, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने थ्रू एन ऑर्डिनेंस जो है इसको अलाउ कर दिया था, राइट। सो इनफैक्ट 2020 में भी जो है ये जल्लीकट्टू हुआ, इवन दो पीटा जो है इज कंप्लीटली अगेंस्ट इट, राइट। तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि आप किस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक सर्टन फेस्टिवल को एंड बोल सकते हैं दैट दैट इज ऑफुल, राइट। ऑब्वियसली अब अगर एनिमल राइट्स का इशू है, अगर वो बोले कि अच्छा हम उनको जो है टॉर्चर नहीं करेंगे, अगर हम जो है उनको हाइजीनिकली जो है उनको काम करेंगे, और जो है वी विल मेक श्योर कि उनको जितना कम पेन हो उतना हो सके, तो जिस तरह से बाकी मीट को स्लॉटर किया जाता है इन अ मोर साइंटिफिक मैनर, वही उसी तरह से हम इस फेस्टिवल में भी करेंगे, तो विल इट बिकम एक्सेप्टेबल देन। तो ये सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू टेक अ मल्टीपल, एक मल्टी वेरिड व्यू एंड adopt the lens of cultural relativism as well. ठीक है, सो ये जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म से एक लिया गया कोट था, राइट, विच अगेन कैन बी अप्लाइड हियर एज वेल, राइट, इवन दो इट इज यूज इन अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन द एनिमल फार्म। अब अगर एनिमल राइट्स की बात की जाए, जो चाइना के अंदर तो देयर इज अ ह्यूज लकूना ऑफ एनिमल राइट्स, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड एनिमल प्रोटेक्शन है जब आप उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, एंड बहुत सारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा है कि इट्स हाई टाइम कि चाइना जो है कुछ कॉन्क्रीट एनिमल राइट्स जो है उनको लेकर आए। करंटली कोई नेशन वाइड लॉज नहीं है चाइना में जो कि एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करते हैं क्रुएल्टी या मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हाउएवर वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने नोट किया है कि कुछ लेजिस्लेशन जो है अब आई है विद रिगार्ड टू वेलफेयर ऑफ एनिमल्स इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली वो एनिमल्स जो कि रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होते हैं एंड जूज के अंदर जो है रखे जाते हैं। इनफैक्ट 2014 में चाइना को वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स जो है उनका, राइट, उसके अंदर जो ग्रेड्स थे उनमें जो है थर्ड लोएस्ट ग्रेड जो कि ई था वो दिया गया था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ राइट्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इन द कंट्री। नाउ ऑन द अदर हैंड इंडिया में रिलेटिवली
बेटर राइट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं अगर हम एनिमल राइट्स की बात करें. हाउएवर अभी जो भी जो है हमने बहुत सारी एनिमल क्रुएल्टीज देखी हैं, राइट. अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उभर के आ जाता है कि हाउ डू यू बैलेंस द ह्यूमन इंटरेस्ट विद द एनिमल इंटरेस्ट. रिसेंटली केरला के अंदर हमने देखा था हाउ वो जो एलिफेंट है उन्होंने कंज्यूम कर लिया था जो एक एलिफेंट जो एक पाइनएप्पल था विच वॉज स्टफ्ड बाय फायर क्रैकर्स. उसके बाद जो है ये डिस्कवर किया गया था कि इनफैक्ट वो जो पाइनएप्पल्स हैं वो उनको डेलिबरेटली नहीं एलिफेंट को खिलाया गया था बल्कि वो विलेजर्स द्वारा रखे जाते थे हु आर रियली पुअर विलेजर्स, राइट, बोर्स को हटाने के लिए जो कि ऑफन आके उनके खेत बर्बाद कर देते हैं, राइट. सो नाउ क्वेश्चन मार्क्स आर बीइंग रेज्ड अबाउट दैट ऑल्सो. अब अगर इंडिया में एनिमल राइट्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है विद रिगार्ड टू एनिमल्स टू इंश्योर देयर वेलफेयर. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 48 जो है डीपीएसपी का वो बात करता है कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री जो है मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे होनी चाहिए, आपने प्रिजर्व एंड इंप्रूव करनी है ब्रीड्स को और ये जो है काउस का काफ्स का बाकी मिल्च एंड ड्रॉट कैटल का जो स्लॉटर है उसको प्रोहिबिट करता है. साथ ही में 48A भी जो है रिक्वायर करता है कि स्टेट जो है ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाए जिनके थ्रू प्रोटेक्ट हो सके दोनों ही एनवायरनमेंट एज वेल एज सेफगार्ड हो सके फॉरेस्ट और द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल, राइट. सो दैट इज वाई यू हैव दी सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, यू हैव आपके जो वेरियस इंडेंजर्ड एनिमल्स एटसेट्रा की प्रोटेक्शन के लिए जो वेरियस चीजें ली जाती हैं. साथ ही में आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके अंदर आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी जो है उसके अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप कंपैशन रखेंगे हर लिविंग क्रीचर के लिए इंक्लूडिंग एनिमल्स. इसके अलावा 1960 का जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है ये लीगल बेसिस है जो कि मिसट्रीटमेंट एंड क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स को जो है अवॉइड करता है और उनको प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इंश्योर करने की कोशिश करता है. बेयर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, लायंस, बुल्स जो है इनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप इनको ट्रेन नहीं कर सकते, आप इनको एंटरटेनमेंट के लिए जो है यूज नहीं कर सकते हैं ईदर इन सर्कसेस और इवन इन स्ट्रीट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट इटसेल्फ. साथ ही में IPC के अंदर एज वेल एज PCA के अंदर सेक्शंस 428 एंड 429 है जो कि इलीगल कर देते हैं एंड इनफैक्ट बहुत ही एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है देते हैं इन केस एनीवन ट्राइज टू मेम और इंजर कोई भी एनिमल को, राइट. साथ ही में अगर आप अपने व्हीकल को यूज करते हैं टू पर्पसली इंजर डॉग्स, कैट्स, काउस जो कि स्ट्रीट में है तो वो भी जो है एक गलत एक्ट माना जाता है जिसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है दी जाती है. साथ ही में इवन द स्ट्रे डॉग्स जो है इनको PCA के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है एंड रूल्स इनैक्ट किए गए हैं अंडर द सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट ऑफ जो PCA एक्ट है एज वेल एज द एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स ऑफ 2001 which concerns sterilization जो है dogs की कि ये जो है humane manner में कराई जाए, right. So as अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड एज फार एज एनिमल राइट्स आर कंसर्न, बट यहाँ पे इन द कंट्री एज वेल वी विटनेस बहुत सारे दिनों में एब्सोल्युटली क्रूअल एंड इनह्यूमन टॉर्चर ऑफ एनिमल्स, राइट. जहाँ पे जो है पपीज को मार दिया जाता है, राइट. उनको जो है जान पूछ के हार्म कर दिया जाता है. तो एक तरह से एज अ सोसाइटी वी नीड टू क्वेश्चन दैट हाउ आर वी ट्रीटिंग आर एनिमल्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनका भी उतना ही अधिकार है टू स्टे ऑन दिस प्लैनेट. दिस प्लैनेट इज ऑल्सो एज मच देयर्स जितना ये ह्यूमन्स का है, ठीक है. सो होपफुली दिस गेव यू सम पर्सपेक्टिव ऑन हाउ यू कैन एनालाइज दीज वेरियस festivals that happen, right? Thank you and see you in the next lecture.